फ्रेंड्स आज जानेंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान पाठ 11 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कि प्रयोगशाला में एसीटोन कैसे बनाते हैं, इसका रासायनिक समीकरण चित्र और इसके उपयोग सब कुछ बताएंगे। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो उत्तर में देखें कैसे लिखेंगे कि एसीटोन बनाने के दो विधियों का रासायनिक समीकरण या संघनन अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो उत्तर, प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन बनाया जाता है। इसका फार्मूला देखिए किस प्रकार से इसको रिएक्शन देंगे। CHCOO का होल थ्राइज 2CA यानी कैल्शियम, यानी कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। शुष्क आसवन की उपस्थिति में CH CO CH3 CaCO3 यानी कि देखिए यहाँ पर एसीटोन का फार्मूला भी दे दिया गया है जो आपको ज़रूर आना चाहिए। देखेंगे इसका चित्र और बनाने की विधि। धातु या कांच के रिटार्ट में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर उपकरण को दिए गए चित्र के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। रिटार्ट को गर्म करने पर एसीटोन की वाष्प बनती है जिसे संघनित्र में प्रवाहित करने पर द्रव एसीटोन ग्राही में एकत्र हो जाता है। अब देखिए एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताया गया है। अगर आपको चित्र आ रहा है तो आप किसी भी प्रकार से इसको थ्योरिकल रूप में लिख सकते हैं, अगर चित्र नहीं आ रहा तो आप चुपचाप छोड़कर प्रश्न चले जाओगे। अब देखिए यहाँ पर क्या आया गया कि यहाँ एसीटोन अशुद्ध होता है, इससे संतृप्त NaHSO4 विलयन के साथ मिलाकर हिलाने के बाद 4-5 घंटे के लिए रख दिया जाता है, जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं। इन क्रिस्टलों को पृथक करने, इनमें Na2CO3 मिलाकर मिश्रण का आसवन करने पर शुद्ध एसीटोन प्राप्त होता है जिसमें जल का कुछ अंश होता है। शुद्ध एवं शुष्क एसीटोन प्राप्त करने के लिए एसीटोन को निर्जल CaCl2 से सुखाकर पुनः आसवित करने पर 56 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध एसीटोन प्राप्त होता है जिसको संघनित द्वारा ग्राही में एकत्र कर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन CH3 का होल थ्राइज 2C सी डबल बॉन्ड ओ प्लस NaHSO4 यानी सोडियम बाइसल्फाइड इज इक्वल टू एसीटोन दिया गया CH3 का होल थ्राइज 2COHSO3Na यानी कि एसीटोन बाइसल्फाइड ही होगी। उसके आगे फिर बनाएंगे और 2CH3 का होल थ्राइज 2COHSO3Na प्लस Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट इट इज इक्वल टू 2CH3 का होल थ्राइज 2CO प्लस 2Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। अब देखिए इसके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं जो आपको अच्छी तरीके से रट कर जाना पड़ेगा। एसीटोन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया कराने पर, एसीटोन हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया कराने पर एसीटोन ऑक्सीन बनाता है। अब देखिए इसका जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जरूर लगाना है जहाँ जहाँ दिया गया है, आप अच्छे तरीके से इसको तैयार करके ही जाएँ। दिया गया संघनन अभिक्रियाएँ यानी कीटोन एल्डिहाइडों की तरह संघनन अभिक्रियाएँ करते हैं। एसीटोन की प्रमुख संघनन अभिक्रियाएँ निम्नलिखित हैं। नंबर ए, एसीटोन की आयोडीन तथा जलीय कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया, आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। रिएक्शन भी इसका दिया गया है CHCO CH एसीटोन प्लस 3I2 यानी आयोडीन प्लस 4NaOH यानी कास्टिक सोडा इट इज इक्वल टू CH3I प्लस यानी कि आयोडोफॉर्म 3NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड प्लस 3H2O प्लस CH3COO यानी कि सोडियम एसीटेट। नंबर भी दिया गया है एसीटोन की क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया यानी कि क्लोरोटीन बनाता है जिससे कि यहाँ पर दिया गया PCl5 के साथ अभिक्रिया यानी कि 2:2 में डाइक्लोरो प्रोपेन बनता है। जैसे डी नंबर दिया गया H2SO4 के साथ अभिक्रिया एसीटोन का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आसवन करने पर मेसिटिलीन बनता है। इसी प्रकार आगे नंबर दिया गया, नंबर लास्ट तीसरा नंबर एसीटोन की अमोनिया के साथ अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको तैयार करना पड़ेगा भाई। देखिए यानी कि डाई एसीटोन एमीन बनता है और इसका रिएक्शन यानी जितने भी रिएक्शन मैंने बताए हैं ये सभी तैयार करके ही जाएँ।